एक बार फिर चिली के जंगलों में लगी भीषण आग में 24 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के बाद कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी पहुंचने लगी। इसे चिली की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा माना जाता है। 10 से 12 की तादाद में दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार आग ने लगभग 40,000 हेक्टेयर जंगल को राख कर दिया है। चिली के राष्ट्रपति ग्लोबियर बोरिक ने जंगल में लगी आग के बाद राहत कार्य तेज कर दिए हैं। सरकार ने आपातकालीन घोषणाएं जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम शुरू कर दिया। राष्ट्रपति बोरिक ने घोषणा की कि देशवासियों को घबराना नहीं चाहिए। सरकार सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। करीब 1500 लोगों को शेल्टर होम भेज दिया गया है। 970 गंभीर रूप से घायलों में से 26 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि चिली के जंगलों में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई बार भीषण आग लग चुकी है। पिछले साल दिसंबर में यहाँ भीषण आग लगी थी जिसमें 75 लोग झुलस गए थे। साल 2022 में मार्च महीने में यहाँ 700 हेक्टेयर जमीन पर भीषण आग लग गई थी जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। वैसे तो चिली के जंगल में जुलाई 2016 से आग लग रही है, फिर केवल एक वर्ष में चिली के जंगल में आग लगने की 3,000 घटनाएं तेजी से दर्ज की गई जिसमें 6,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 2023 तक ये बहुत सारे छोटे और बड़े आग दुर्घटना हुए। हालांकि आग को भी बीच में नियंत्रित किया जाता है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण आग बार बार भयंकर रूप ले लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमजी मीडिया न्यूज।